ज़्यादा टाइम नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज से हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं और मैथ में पहला चैप्टर देखते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। संख्या किसे कहते हैं? नंबर, संख्या किसे कहते हैं? हमारे आसपास या फिर हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं, या फिर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जितने भी हमारे आसपास में जितने भी वस्तु हैं उनके प्रयोग में जब हम उनकी गणना करने के लिए जिस अंक का या जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसी को हम संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास मार्कर है, या फिर बोर्ड है, या फिर लाइट है, ऐसी बहुत सारे पदार्थ है या फिर वस्तु हैं, द्रव्य है। अब उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको गणना करने के लिए, जैसे मार्कर है, अगर हमें संख्या का ज्ञान नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कितना मार्कर है? जब संख्या का ज्ञान हो जाएगा, अब मान लीजिए ये मार्कर एक है, तो हमें एक के माध्यम से हम इसको इंगित करते हैं कि ये एक मार्कर है। तो कहने का मतलब किसी वस्तु को उसका आंकिक मान प्रदान करना ही संख्या कहलाती है। संख्या को देखते हैं, संख्या कितनी प्रकार की होती है? तो हमारी संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं और इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, आइए हम लोग इसको समझते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वह संख्या होती है जो हमारे आसपास, पास पड़ोस में वास्तव में पाई जाती है। जैसे अब मान लीजिए अभी मार्कर की बात कर रहे थे, व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे थे, ऐसे वास्तव में जो संख्याएं पाई जाती हैं उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो जिनका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं होता है, मतलब जो वास्तव में ऐसी कोई संख्या नहीं होती है, जो कि हमारे दिमाग में कल्पना मात्र की होती है, उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। इसका कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे विस्तार में हम इसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर कहते हैं और दूसरा अपरिमेय संख्या जिसे इनरेशनल नंबर कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो परिमेय संख्या होगी उसी के सीधा विपरीत अपरिमेय संख्या होगी। साफ साफ नाम से ही लग रहा है कि परिमेय संख्या के विपरीत ही अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं दूसरे तरीके से परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होगी जिसे हम भिन्नात्मक रूप प्रदान कर सकते हैं किंतु भिन्न में हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, यही इसका मतलब होता है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p by q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जैसे √-2, √-3, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग जान लिए हैं। इसके बाद में अपरिमेय संख्या के कोई प्रकार नहीं होते हैं। फिर आगे देखते हैं परिमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, कैसे परिमेय संख्या आगे बढ़ती है। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर और पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स। अब प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या हम लोग पहले से ही जानते हैं कि प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं के आंकिक मान प्रदान करने को नंबर कहते हैं, और वही क्या है, नेचुरल नंबर है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी जो है, मतलब प्राकृत में पाई जाने वाली वस्तुओं की गणना के लिए है। पूर्णांक, पूर्णांक वह संख्या होती है, पूर्णांक, एक मिनट, इसका उदाहरण देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में क्या किया जाए, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को जोड़ लिया जाए तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। और पूर्णांक के बारे में हम जानते हैं, पूर्णांक जो है इन्हीं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इन्हीं के क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक पक्ष को मिला करके पूर्णांक का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है, अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ लिया जाए तो क्या होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा, और पूर्णांक संख्या रेखा पर दर्शाई जाने वाली शून्य सहित माइनस और प्लस की संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद में प्राकृतिक संख्याओं के भेद में आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं आगे किस तरह से बढ़ती जाती हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के का एक भेद है सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर, इसके बाद में है नॉन प्राइम नंबर जिसे हम लोग कहते हैं विभाज्य संख्या, इसके बाद अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। तो ये चार संख्याएं हो जाती हैं, कौन सी, सम, विषम, विभाज्य और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं, दो को लेकर के दो से विभाज्य हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ऐसे करके। इसके बाद विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं इनके अतिरिक्त, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ऐसे करके विषम संख्याएं हैं। अब देखते हैं विभाज्य संख्याएं। विभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो दो से विभाजित हो जाती हैं। हद तक ये परिभाषा सही है, लेकिन अगर थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए तो हम देख पाएंगे कि विभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके कम से कम तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम विभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम ले लेते हैं 4, अगर 4 का गुणनखंड किया जाता है तो हम क्या करेंगे, 1 × 2 × 2। देखिए 1, 2 और 3, तीन गुणनखंड हुए तो 4 क्या है, विभाज्य संख्या है। दो विभाज्य संख्या है क्या, दो विभाज्य संख्या है, आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में, आप लोग बताइएगा दो विभाज्य संख्या है या नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। विभाज्य संख्या का सीधा विपरीत अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है। देखते हैं कैसे, हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है, विभाज्य संख्या की विपरीत। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी संख्याएं जिनका क्या है, दो गुणनखंड या दो से अधिक गुणनखंड नहीं बन पाते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब हम ले लेते हैं 3 को, 3 का अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा, 1 × 3,
और कुछ हो पाएगा? अगर फैक्टर करना चाहें इसका तो और कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो 1 into 3 कम से कम तीन गुणनखंड नहीं बन पाया, मतलब ये विभाज्य का रूल फॉलो नहीं कर पाया, तो किस में चला गया? अभाज्य में चला जाएगा। अब एक प्रकार इसका और होता है जो कभी कभी पूछ सकता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड के क्या कह सकते हैं, सेट में एक कॉमन हो। किताबी भाषा को छोड़ करके हम ऐसे जान लेते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड किया जाए तो हमें एक कॉमन मिले, इसके अलावा कॉमन कुछ ना मिले। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं इसका नियम यह है, कम से कम दो संख्याओं का साथ में होना जरूरी है। मान लेते हैं 5 और 7। देखते हैं ये सा अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो सबसे पहले 5 का हम गुणनखंड करते हैं तो कितना बनेगा? 1 into 5। इसमें क्या हुआ? 1 into 5 हो गया। अब ऐसे अगर 7 का हम बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 into 7। तो इसमें और इसमें 1 कॉमन मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर 1 1 कॉमन मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर होगा। तो संख्याओं के बारे में आज हम लोगों ने ये सीखा कि संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद में संख्या के प्रकार में देखते हैं, तो एक रियल नंबर है, दूसरा इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर का कोई प्रकार नहीं होता है। रियल नंबर के 2 प्रकार होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इसके बाद में इरेशनल नंबर के कोई प्रकार नहीं होते हैं, रेशनल नंबर के 2 प्रकार होते हैं। इसमें एक को जो है पूर्णांक को हम रेशनल नंबर के प्रकार में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि आगे बताएंगे, अब देखते हैं। इसके बाद में रेशनल नंबर में एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है नेचुरल नंबर में कौन से प्रकार हैं। तो इसमें इवन है, ऑड है, नॉन प्राइम है, प्राइम है, और एक को प्राइम है। इतनी संख्याएं होती हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके आगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना, सबसे पहले यूनिटी को निकालना हम लोग सीखते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ की दशा में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण हम लेते हैं 3589 + 287। अगर ऐसे क्वेश्चन दे देता है और पूछा जाता है संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के इकाई को उनको बाहर निकाल लेंगे और जोड़ लेंगे, या दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और उसमें जो इकाई का अंक मिल जाएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, 9 + 7 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 16। अब इसके बाद इसमें आपका जब आएगा तो ये इकाई का अंक 6 हो जाएगा, इसमें हमारा इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, मान लीजिए 3592 + 2314, इसके बाद में हमारा है + 345। अब अगर इसको कहा जाए कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको और इसको, मतलब क्या है, तीनों के इकाई के अंक को हम लोग जोड़ लेंगे। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है, प्लस इसमें कितना है, 4 है, प्लस इसमें कितना है, 5 है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 5।
अब कितना आया 11, इसमें इकाई का अंक कितना हुआ 1 हो गया। ऐसे करके आगे आप लोग बुक से या किसी से उदाहरण देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं घटाने के स्थिति में, घटाने की स्थिति में हम लोग आगे देखते हैं घटाने की स्थिति में कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो पहला उदाहरण अगर ले लेते हैं 2, 3, 4, 5 माइनस 2, 3, 4, 1। अगर इसको कहा जाए कि इसमें जो है इकाई का अंक ज्ञात करिए, तो सबसे सब लोग इसको सरलता से क्या करेंगे, 5 माइनस 1 कर देंगे, ये वाला 5 और ये वाला 1, तो हमारा आ जाएगा 4 निकल जाएगा। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए है 2, 3, 1, 9 माइनस 2, 3, 4, 4 माइनस 2, 3, 4, 5। अब इस दशा में हम लोग क्या करेंगे, दो अंक का है तो बहुत आसानी से इकाई का अंक निकल जाएगा, लेकिन अगर 3 या 3 से अधिक अंकों का हो जाएगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। इस इकाई का अंक ले लेंगे, इसका माइनस कर देंगे, इसके ले लेंगे, इसका इसका और इसका ले लेंगे, सबको माइनस करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद 9 माइनस 4 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5, फिर 5 माइनस 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 0, यही हमारा हो जाएगा इकाई का अंक। आगे हम लोग देखते हैं और उदाहरण, मान लीजिए 2, 3, 4 माइनस 2, 3, 2 माइनस 2, 3, 4 ऐसे करके दे दिया जाए, तब हम लोग कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, 4 कर देंगे, इसके बाद माइनस 2 कर देंगे, फिर ये माइनस 4 कर देंगे। इस बार देखिए 4 में से अगर 2 को निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 2 माइनस 4। अब क्या करेंगे, अब इसको 2 को हम लोग 12 कर लेंगे और 12 माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, इकाई का अंक हमें कितना मिल गया 8। ऐसे करके इकाई का अंक हम लोग निकाल, 12 कहाँ से ले लेते हैं, ये 12 कैसे हो जाता है इसको समझ लीजिएगा, ये जो 4 है इसकी वैल्यू क्या है 2 से कम है, तो जब 2 से कम हो जाती है तो इसमें हम 10 ऐड कर लेते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, बस यही इसका रूल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे गुणे की प्रक्रिया में, मान लीजिए लिखा है 2, 1 × 2, 2, 4 ऐसे दो अंक का है, तब तो हम लोग गुणा करके निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा अंक बढ़ेगा तो कठिनाई बढ़ जाती है, इसलिए देख लेते हैं इसके इकाई का अंक बाहर ले लेंगे और इसके इकाई का अंक बाहर ले लेंगे, इसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। इसके बाद में और हम उदाहरण से देखते हैं, अगला उदाहरण हमारा है मान लीजिए 2, 7, 9 है, इसके बाद 2, 7, 1 है, इसके बाद 2, 7, 2 है, इसके बाद 2, 7, 2 है। अब हम लोग इसमें इकाई का अंक निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 9 को बाहर ले लेंगे, इसके बाद में इंटू लगाएंगे, इसके बाद इसमें 7 के बाद 1 है, 1 इकाई के स्थान पे है तो 1 को ले लेंगे, इसके बाद में 2 है हमारा इकाई के स्थान पे तो हम 2 ले लेंगे, इसके बाद हम सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 9 का अगर 1 में कराएंगे तो 9 ही हो जाएगा, फिर 9 का अगर 2 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 क्या है, 2 अंक हो गया मतलब इकाई और दहाई हो गया, फिर दहाई को कैंसिल कर देंगे और जो आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको, अगर मान लीजिए 5 अंकों का आ जाता है, जैसे 2, 3, 4 × 2, 3, 9 × 2, 3, 7 × 2, 3, 4 × 2, 3, 4
ऐसे करके आ जाता है। तब हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 4 को बाहर निकाल लेंगे, मतलब ये संख्याओं में जितने इकाई के अंक हैं सबको हम बाहर निकाल लेंगे इनटू के साथ। तो ऐसे 4 को निकाले, फिर 9 को निकाले, फिर इनटू, फिर 7 को निकाल लेते हैं, फिर इनटू, फिर 4 को निकाल लेते हैं, फिर इनटू, फिर 4 को निकाल लेते हैं। अब इधर से या इधर से किसी तरफ से हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 का 9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में 33 को हम यहाँ पर निकाल देंगे, फिर ले लेंगे 6 को। ये हम इजी करने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा गुड़ा आपका 6 ले लेते हैं। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में फिर इकाई का अंक लेंगे, दहाई का अंक नहीं लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। और 2 का फिर 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसमें दहाई का अंक है नहीं तो इसको हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। और लास्ट वाले मल्टीप्लाई में हमें लास्ट में कितना मिला है, 2 मिला है। यही हमारा फाइनल आंसर का इकाई का अंक होगा। ऐसे करके आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जहाँ पे समझ में नहीं आता है कमेंट में बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब भलीभांत दे सकें। इसके बाद में हम लोग घात के रूप में जितनी संख्याएं आती हैं उनके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं घात में, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 के पावर 2, हम इसका कह देता है कि 2 के पावर 2 को सरल करने पर जो इकाई का अंक प्राप्त होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपके पास आता है, तो इसको हम 2 × 2 कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसे करके अगर मान लीजिए आ जाता 2 के पावर 4 आ जाता है, तब भी छोटा हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार, 4 बार गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 4, 8 और 16 आ जाएगा। इसमें हमारा इकाई का अंक 6 हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया अगर 20 के पावर 20 कर दिया जाए तब हम मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसके लिए थोड़े से रूल बने हैं। अगर रूल का फॉलो करते हैं तो बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला रूल हमारा है 0, 1, 5, 6। ये कब के लिए है, जब घात में कोई संख्या दी गई हो। मान लीजिए ऐसे लिखा है 22 के पावर 29, ऐसे करके लिखा है, तो ये संख्याएं कहाँ की हैं, मान लीजिए ऐसे 20 लिखा है, इसमें आना चाहिए, मान लीजिए 20 लिखा है, 20 के पावर 29 लिखा हुआ है। अब हमें इस में गुणनखंड में प्राप्त इकाई का अंक निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, जो ये इकाई का अंक है यही अंक हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, चाहे जितना बड़ा आपका लिखा हो, जैसे लिखा हो 2, 2, 4, 5, 5, 6, 8, 6 के पावर 29 या फिर 39 या 49 जो भी लिख सकते हैं लिख दीजिए। थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, तो देखते हैं यहाँ लिख देते हैं 29, इसके बाद 29, 29 इतनी बार लिखा है, इसके पावर 29 किया गया है, या फिर इसको 6 कर लेते हैं, 29, 29, 26 की पावर 29 लिखा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे या गुणनखंड कर लेंगे, इसके बाद में जो फाइनल उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले जो हम ये 0, 1, 5 और 6 लिखे हैं वो 6 यही है, ये वाला 6 यही है। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी संख्या दी हुई होगी उसके इकाई के अंक को छोड़कर हमें किसी अंक से कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर 6 है तो ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला रूल है क्या, रूल कहता क्या है,
कहता ये रूल ये कहता है, शून्य एक पांच और छह यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर आते हैं तो प्राप्त परिणाम में इकाई का अंक वही रहेगा घातांक चाहे जो हो, मतलब घात के रूप में चाहे जो लिखा हो। अब एक बार रूल को हम पढ़ देते हैं। 0, 1, 5, 6 यदि दी गई संख्या, कौन सी संख्या जिसका हमें गुणनखंड करना है या जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, में इकाई के स्थान पर क्या आता है, 0, 1, 5, 6 आता है, तो जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक वही रहेगा। अगर 0 आता है, जैसे 20 के पावर 29 लिखा है, तो इसमें इकाई का अंक 0 होगा। बिना सोचे बिना लगाए तुरंत आप बता सकते हैं कि इस 20 है, पावर 29 है, तो इसका आंसर इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। यही कहने का मतलब है। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। क्या है रूल हमारा, 0, 1, 5, 6 सबके एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा है 20 के पावर 20। अगर 20 के पावर 20 लिखा है और पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए लिखा है 3000 के पावर 20। तो इसमें भी क्या है, इकाई के स्थान पे 0 है, तो इसमें भी इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसके बाद में अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 31 के पावर 441। ऐसे करके लिखा है, तो हमें इसको नहीं देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, इसमें इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक अगर देखते हैं तो इकाई के अंक के स्थान पे 1 है, इसमें बेस में इकाई का अंक 1 है, तो हम सबसे पहले रूल में देखते हैं, रूल में हमारे 1 है, तो ये रूल फर्स्ट में जा रहा है। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, जो संख्या इकाई के अंक के स्थान पे है वही संख्या उसका इकाई का अंक होगा, तो इसमें भी इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ऐसे करके मान लीजिए 39 बेस है और आपका लिखा है 20 20, 39 बेस 20 20 है, तो इसमें भी इकाई का अंक, सॉरी 31 बेस है, यहाँ पर इकाई का अंक होना चाहिए, इकाई के स्थान पे 1 होगा तभी ये हो पाएगा। तो 31 लिखा है, पावर 20 20 है, तो इसका क्या होगा, हल करेंगे तो हमें परिणाम में इकाई के अंक के स्थान पे 1 प्राप्त होगा। इसके बाद में अगला देखते हैं, 5। मान लीजिए 25 लिखा है, 25 के पावर 26 लिखा है, तो बिना सोचे बिना देखे अगर 5 यहाँ पर बेस में हमको मिल गया है इकाई के स्थान पर, तो हम इसके इकाई का अंक 5 लिख देंगे। अब एक बार इकाई का अंक 5 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 5 के पावर अगर 3 है, तो इसमें हम बिना सोचे समझे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है, 5 × 5 × 5 तो क्या हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, और जब
इसमें इकाई का अंक फिर ले लेते हैं पिछले तरीके से, जैसे हम मल्टीप्लाई में कर रहे थे, फिर 5 इंटू 5 कर देंगे, फिर 25 हो जाएगा, मतलब 5 इकाई का अंक आता है। ऐसे करके अगर आप चेक करना चाहें तो सारे को चेक कर सकते हैं और सब में आपको यही आंसर मिलेगा, जो संख्या रहेगी उसी का इकाई का अंक हो जाता है। इसके बाद में हम लोग अगला लेते हैं 26 के पावर 26। तो 26 के पावर 26 में जब हम हल करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। अब हम लोग इसके आगे का रूल कल देखते हैं, आज इतना ही, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क है, आप लोग इसको कर लीजिएगा और समझ में जहां भी ना आए आप लोग कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग योग पढ़े थे, देख लीजिए एक बार समरी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, नंबर सिस्टम में नंबरों के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद में हम लोग अगर यहाँ से देखें तो सबसे पहले योग की दशा में इकाई का अंक ज्ञात करना, उसके बाद में हम लोग देखे हैं घटाने की दशा में इकाई का अंक ज्ञात करना, फिर गुणे की दशा में इकाई का अंक ज्ञात करना और घात के दशा में इकाई का अंक ज्ञात करने में पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा है। इतना ही आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले योग वाला एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन उसको आप लोग करिएगा। जैसे लिखा है 25 + 29 + 38 + 334 + 358। इसमें आपको क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसके बाद दूसरा हो जाता है हमारा 25 + 29 + इसको कर लीजिएगा। इसके बाद में एक माइनस का देख लेते हैं, 2989 - 234 - 231 और एक देख लेते हैं 233 - 289 - 288। इसके बाद में आगे देखते हैं, अगला है 25 + 29 - 23 - 24। इसके बाद 25 - 23 + 24 - 23। ऐसा हमने नहीं बताया है, लेकिन माइनस और प्लस का दोनों का बताया है। तो क्या करेंगे, इसमें प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ लेंगे और माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे, इसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे। करिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। इसके बाद में इकाई के अंक ज्ञात करने में अगला मल्टीप्लाई का है, तो 256 × 259 × 342 और एक और है 258 × 255 × 220। इसको कर लीजिएगा। इसके बाद में घातांक के रूप में 20 के पावर 29, अगला है 20 के पावर 28, अगला है 21 के पावर 2, अगला आपका है 25 के पावर 35, इसके बाद है 35 के पावर 35, इसके बाद है 36 के पावर 20। इतना सब है, आप कर लीजिएगा। और आगे जो है रूल नंबर सेकंड और रूल नंबर थर्ड, तीन रूल हैं इसमें, तीनों एक साथ कल फिर से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।